शकील भाई इतनी मोहब्बत करते हैं मेहरू से। भाई लगता तो ऐसे ही है, अजीब दीवानापन मचाया हुआ है उसने घर में, पागल सा लगने लगा है। एक वो बेवा हो गई, ऊपर से ये उससे शादी करने के ख्वाब देख रहा है। मैं तुम्हारी मुजरिम, मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ मेहरू, मुझे माफ कर दो। प्लीज हाथ ना जोड़े, क्यों मुझे शर्मिंदा कर रही है? मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है आपको। मैं फोन बंद करने लगा हूँ, तुम्हारे पास एक मिनट है, जल्दी जल्दी बोलो। तो ठीक है, फिर कान खोल कर सुन लो, गुलशन तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। क्या? उस इंसान से क्या मोहब्बत करूं मैं जो किसी और की मोहब्बत में अपनी जान तक देने के लिए तैयार है? किस हैसियत से रहूंगी मैं उसके साथ? बीवी, अगर उसका तुम्हें नाम भी मिल जाए ना, तो अपनी खुशकिस्मती समझना। अल्लाह का लाख लाख शुक्र आंटी, अब तो आप बहुत बेहतर लग रही हैं। अल्लाह का शुक्र है, ये सब कुछ मेहरू की खिदमत की वजह से हुआ। उसकी अनथक मेहनत, मोहब्बत, तवज्जो, लगन की वजह से हुआ, वरना इतना बड़ा सदमा मेरे लिए सदमे से बाहर आना नामुमकिन था। लेकिन मेहरू, मेरी मेहरू, इसकी मोहब्बत ने, इसकी मेहनत ने, तवज्जो ने, लगन ने मुझे, मैं इस मुश्किल वक्त से बाहर आ सकी। बाकी मेहरू ने आपके लिए दुनिया बना दी, और ठीक भी है, बड़ों की खिदमत करने से दुनिया और आखिरत दोनों सफल जाती है। हाँ, इसके लिए तो मेरे दिल से हर पल हर लम्हा दुआएं निकलती रहती। अभी चले ड्राइंग रूम में। अब बुआ वो जवेरिया? जवेरिया तो घर पे नहीं है, मैं अभी उन्हें देख के आ रही हूँ। शुक्र है। बुआ आप ऐसा कीजिए ना, इन लोगों को ले जाइए और इनके लिए कोई चाय वगैरह का बंदोबस्त कीजिए। जी बेहतर। आई या अल्लाह, कैसा वक्त आ गया, कभी इस घर पर मेरा हुक्म चलता था और अब मेहमानों को चाय पिलाने के लिए भी इस काबिल भी नहीं रही है। चाय। सुनो। जी बैठो। ये नाहिद आंटी का घर तो बड़ा जबरदस्त है भाई। जी। किसके नाम पे होगा ये? तो इसी बात का है कि खलील ये घर जो है वो जवेरिया के नाम पर है। आए हाय हाय, बड़े ही अफसोस की बात है, जाते जाते अजहर ने अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा। खैर पैसा तो बहुत है, दो औरतों के लिए तो काफी ही होगा ना। तुम किसी काम से नहीं जा रही थी? नहीं
अपनी जुबान बंद रखूंगी, मगर उसका बदला क्या मिलेगा जुल्फी साहब? तो ठीक है। मतलब? मैं तुम्हारा राज जवेरिया को नहीं बताऊंगा और तुम मेरे राज की हिफाजत करना। हो गया बदला? मेरा जुर्म इतना बड़ा नहीं है कि आपके जुर्म के मुकाबले में उसे तौला जा सके। हाँ, मिजान में जो अदल बदल होगा उसका हर जाना तो आपको अदा करना ही होगा जुल्फी साहब। क्या चाहती हो? इस राज की कीमत 5 लाख रुपए। वाह वाह शीबा मैडम वाह, 5 लाख! कभी जिंदगी में तुमने देखे हैं 5 लाख? अपनी औकात से बढ़ के बात की है तुमने। एक काम करो, तुम अभी और इसी वक्त जाओ और जवेरिया मैडम को बता दो कि गुलशन माँ बनने वाली है। जाओ। होश में तो हो तुम? जवेरिया को मालूम हो गया तो? तो क्या हो जाएगा? जवेरिया को मुझ पे पूरा ट्रस्ट है और गुलशन पे नहीं। वो गली गली फिरने वाली एक आवारा लड़की, किसका बच्चा मेरे सर डाल रही है किसको पता? और तुम इस जुर्म में बराबर की शरीक हो और मुझे ब्लैकमेल कर रही। फिर तुम पे धोखेबाजी का, फ्रॉड का जो केस होगा उसका कौन जिम्मेदार होगा? और तुम्हारी हो जाएगी छुट्टी। लिहाजा अपनी औकात में रहो और गुलशन को अपने सर पे मत चढ़ाओ। करूं मैं इसका? सब कुछ भूल गई आप? इतनी मेहनत की थी मैंने आप पर, इतना सब कुछ सिखाया था आपको, एक अच्छी पर्सनालिटी बन गई थी आपकी। वो जैसे कि आपकी जुबान में कहें तो शानदार, जबरदस्त। मुझे तो बहुत ही गुस्सा आता था और उन दिनों में तो और भी गुस्सा आने लग गया जब तुम मुझे छोड़ के चली गई थी। मैं तो बिल्कुल कल्ली पड़ गई थी ना, इसीलिए बहुत मायूस हो गई थी मैं। मैं छोड़कर कहाँ गई थी? यही थी, छुट्टी ली हुई थी मैंने आपसे। और ये बड़े हादसे से गुजरी हूँ, उसे निकलने के लिए थोड़ा टाइम तो लगे। टाइम लगता है तो फिर सब ठीक हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार मान लें, हम उम्मीद तोड़ दें। समझ रही है ना आप मैं क्या कह रही हूं? पता है मैं मायूस भी इसीलिए हो गई थी कि तुम जो यहां से चली गई थी फिर मैं क्या करती, और जो हिसाब भी हर बात पे ताने देते थे, बुरा भला कहते थे, पता है मजाक भी उड़ाते थे मेरा, कहते थे हाँ बड़ी मॉडर्न बनने चली थी। तुम खुद ही बताओ मेहरू, फिर मैंने मायूस तो होना था ना, तो एतमाद ने तो खत्म फिर हो ही जाना था। मुझे सिर्फ इतना पता है कि जितना मैंने सीखा है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें उम्मीद नहीं तोड़नी चाहिए, अल्लाह से उम्मीद रखें, वो जो भी करते हैं ना हमारी बेहतरी के लिए करते हैं। और नाशुक्री, नाउम्मीदी कुफर है, मुझे यकीन है अल्लाह सबके लिए अच्छा ही करते हैं। और आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपको जो मैंने सिखाया आप उस पर अमल करें। बस मेहरू अब तुम आ गई हो ना तो सब ठीक हो जाएगा, जहाँ से हमने छोड़ा था ना वहीं से फिर शुरू करेंगे। जहाँ से हमने छोड़ा था, पीछे का तो आप भूल गई हैं, अब आगे निकल गई हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं से ही शुरू करना पड़ेगा। ठीक है अब तुम आ गई ना, बस तुम खुश रहा करो, तुम खुश रहोगी ना तो फिर मैं भी बहुत खुश रहूंगी। ठीक है, तू हमारी शक्लें क्यों देख रही है यहाँ पे खड़ी होके, बड़ी कोई कंसुई है तू? जाके काम कर, बर्तन तो कुरज भांडे ने पे होए ने, मुंह लेके खड़ी हो जांदी है बस सूआ लैण वास्ते। ऐसी डांटती रहती टेंशन नहीं लेनी, टेंशन हाँ क्या जुल्फी, जुल्फी ने आपसे ये कहा है? हाँ जुल्फी ने तो यही कहा है, अब तुम सोच लो
आगे तुम्हें क्या करना है? मैडम मैं क्या करूंगी जब जुल्फी ने इनकार कर दिया कि ये मेरा मतलब? देखो अपने हक के लिए आवाज उठाओ, वो भी तो इसी बात का फायदा उठा रहा है कि तुम कमजोर हो। फिर मैडम मैं और कर भी क्या सकती हूँ, जुल्फी यहाँ से इतना दूर है, मैं किससे जाके कहूंगी, किससे फरियाद करूंगी? मैडम जवेरिया से बात करो, वो उनका कजन भी है और बिजनेस पार्टनर भी और बहुत क्लोज भी है। क्लोज का मतलब तो समझती हो ना तुम? जाकर रो पीट कर मैडम से फरियाद करोगी तो वो जरूर जुल्फी से पूछ गछ करेगी। फिर उससे क्या होगा? तुम्हें इंसाफ मिलेगा, अपने हक के लिए आवाज उठाओगी ना तो तुम्हारे साथ बहुत से लोग शामिल हो जाएंगे। आप ठीक कह रही हैं, मैं जाऊंगी, मैं मैडम जवेरिया के पास जरूर जाऊंगी, बल्कि आज ही जाऊंगी। फिर वो जुल्फी की इतनी हिमायती बनती हैं तो उन्हें फिर जुल्फी के करतूत का भी पता होना चाहिए, उसके जुल्म का भी पता होना चाहिए। शाबाश, ये हुई ना बात। अपने हक के लिए इसी तरह हिम्मत से आवाज उठाओगी ना तो जुल्फी और जवेरिया को भी पता चलेगा कि कमजोर को दबाना इतना आसान नहीं होता। अंडरस्टैंड? सर मुझसे ज्यादा आपसे अटैच था, आपको ही मामा मामा कह के पुकारता था। कोई तकलीफ कोई मुश्किल हो मुझे नहीं बताता था, आपसे जाके कहता था। वो अपनी जिंदगी इतनी दिखवा के आए थे सर, तो चला गया, मैं जिंदा हूं। मैं क्यों जिंदा हूं? मुझे जिंदा रहने की रीजन समझ में नहीं आती, जिंदा लाश बन के रह गई हूं। सारा बोझ बेचारी मेहरू पर आ पड़ा है। आपको बहु बेगम के साथ बड़े हौसले और हिम्मत से बात करनी होगी, वो बेचारी अकेली है, किस किस के साथ मुहासबा करती रहेगी। क्या करूं बुआ, किससे कहूं कि उसकी मदद करे, कोई ऐसा नजर नहीं आता मुझे। और वो जवेरिया वो तो और शेर बन गई है, उससे सब कुछ वापस लेना नामुमकिन है। उस बेशर्म बेलिहाज को इतनी भी शर्म नहीं है कि अजहर के अकाउंट से हमें वापस कर दे। मुझे तो कुछ नजर नहीं आता, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। बड़ी आबाब वो भी बीमार हो गई हैं, मैं ही उनका ख्याल रखती थी, अब मैं खुद सिद्धा लाश बनकर बिस्तर पे पड़ी हूं। हारिस चारा अकेली को कैसे संभाले कुछ समझ में नहीं आता, क्या करूं? आपकी बहन तो आपको बहुत याद कर रही होगी ना, आपने हर दुख सुख में उनका साथ दिया है। जी, लेकिन मुझे क्या पता था कि इस तरह जिंदा लाश बनकर बिस्तर पे पड़ जाऊंगी, इतनी बेबस हो जाऊंगी मैं। याल्ला कल अजीब ही हरकत हुई, पहले तो कहने लगे कि मेहरू से मिलने जा, और वहां जाकर उसे अजीब अजीब सवाल कर रहे थे कि ये घर किसके नाम है और तुम्हारे बैंक में रकम कितनी है। क्या मतलब? मौलाना से ये क्यों पूछा कि बैंक में कितनी रकम है? अभी कहीं वो दोबारा तो नहीं मेहरू से पैसे लेना चाहते? वो किसी को क्या दे, उसके पास तो खाने तक को पैसे नहीं है।
भाभी उसका गुजारा कैसे होता है? दोबारा से अपनी पुरानी जॉब पर चली गई है। जवेरिया ने साफ साफ कह दिया कि एक पैसा नहीं देगी इन लोगों को। बहुत जालिम औरत है जवेरिया। और अजहर, उसने तो अपने हाथ काट के जवेरिया को पकड़ा था। कोई इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकता है भाभी कि अपनी उम्र भर की जमा पूंजी किसी ऐसी लड़की का नाम लगा दे जिससे उसकी शादी भी ना हो। शायद इसी को इश्क मोहब्बत कहते हैं। और मेहरू उसको क्या मिला भाभी? ना मोहब्बत, ना सुकून, ना इश्क। भाभी उसका गुनहगार मैं हूं। खुदा का वास्ता शकील, हर वक्त अपने आप को इल्जाम मत दिया करो। ये सब किस्मत की बातें थी। जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। और मेहरू क्या कहती है? क्या कहेगी? जो नौकरी करती है वहां पे तनख्वाह में अच्छी खासी रकम देते हैं चौधरी साहब। नौकरी तो अब वो नहीं छोड़ेगी। और नाहिद आंटी की भी जिम्मेदारी उसे ही उठानी है। शकील, मेरी मानो तो तुम शादी कर लो। जहां खाला जान कहती है वहां कर लो, वरना अपनी मर्जी से कर लो। लेकिन मेहरू की आस में अपना बैठो। जुल्फी, जुल्फी को भी मैं मासूम और बेगुनाह तो नहीं समझ रही। वो भी गुनाह में बराबर का हिस्सेदार है, लेकिन और किस किस का हिस्सा है ये मैं नहीं जानती। आप मेरी बेइज्जती कर रही हैं मैडम। आप मुझे जानती हैं, मैं कोई सड़क पे पड़ी हुई चवन्नी नहीं हूँ जिसका जब मर्जी चाहे जेब में उठा के मुझे डाल लिया। आप बहुत अच्छी तरीके से मुझे जानती हैं। मैं कभी किसी के साथ इस तरीके से वक्त नहीं गुजारती हूँ। जुल्फी ने मुझे झूठे झांसे दिए मोहब्बत के, मुझसे शादी के वादे किए थे उसने। तुम मासूम ननी मुन्नी बच्ची जिसे जुल्फी ने अपने झांसे में फंसा लिया, मुझे पागल मत बनाओ। तुम जैसी आवारा लालची लड़कियों को अच्छी तरह से पहचानती हूँ मैं। जुल्फी को ब्लैकमेल करके उससे पैसे हथियाना चाहती हो? याद रखो, जुल्फी तुम्हें एक टका नहीं देगा। ना गेट आउट एंड गेट लॉस्ट। और दोबारा यहाँ पे अपनी शक्ल मत दिखाना, समझी? ये जुल्म है, ज्यादती है मेरे साथ। आप जुल्फी जैसे इंसान की हिमायत कर रही हैं। आपको क्या लगता है मैं खामोश रहूंगी? मैं दुनिया भर में आपको और जुल्फी को बदनाम कर दूंगी। और मैं ये भी जानती हूँ कि आपके और जुल्फी के दरमियान क्या ताल्लुकात है। बकवास बंद करो तुम अपनी। तुम जैसी लड़कियों को अच्छी तरह पहचानती हूँ मैं। अपनी इज्जत को बेच देती है पैसों की खातिर। शामू काका, धक्के देकर इसको यहाँ से निकाल दें। मैंने इसको कपड़े दिए, घर में रहने की जगह दी, पैसे दिए, एहसान फरामोश। मैडम, ये तो है ही एहसान फरामोश लड़की। आपने इसका बहुत ख्याल किया और हर कदम पर इसकी मदद की है, मगर ये, चलो चलो लड़की, निकलो बाहर। छोड़े मेरा हाथ, मेरी बात समझ नहीं आ रही। छोड़े मेरा हाथ, छोड़े इसका हाथ। आपको क्या हो गया है? अपनी बेटी की उम्र की लड़की पर हाथ उठा रहे, आपको शर्म नहीं आती? ये मेरी बेटी होती तो मैं इसे जिंदा दफन कर देता। तुम बड़ी हमदर्द बन रही हो उसकी।
एहसान मत भूलो मेरा कि तुम्हें यहाँ पर इस घर में मैंने रखा हुआ है। तुम्हें भी इसके साथ ही निकाल बाहर फेंकूंगी। जाने मुझे किस बात का लिहाज है। तुम्हारी जैसी औरत किसी का लिहाज कर भी नहीं सकती, और वैसे भी तुम अपने शौहर की कातिल हो। चलो गुलशन। शामू काका, एक और मुसीबत आन खड़ी हुई है, इसका भी कुछ ना कुछ करना होगा। मैडम आप बेफिक्र हो जाएं, सब ठीक हो जाएगा। तुमने मुझे सच्चाई दिखाने की कोशिश भी की थी, लेकिन मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं मानी। मैंने हर वो कोशिश की जिससे तुम्हारा दिल दुखे, मैं तुम्हें बुरा साबित कर सकूं, लेकिन फिर भी तुमने कुछ बुरा नहीं मनाया। और आज मैं खुद बर्बाद हो गई हूँ, मैं बिल्कुल तनहा हो गई हूँ। मेरे पास मेरे साथ कोई नहीं खड़ा।